प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस की रीति नीति पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार है भी कि नहीं। मीडिया से चर्चा में जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के और भी कई नेता भाजपा में आने वाले हैं, कई लोगों के ऑफर हैं। उन्होंने कहा कि सभी नेता बिना किसी शर्त के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार 60 साल तक राज किया, लेकिन गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और गरीब आदमी के बारे में कभी विचार नहीं किया और ना ही उनके सर पर छत का प्रबंध किया। इस पर हमने विचार किया, लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर थे। पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो खुले आसमान के नीचे रहेगा, और उन्होंने गरीब आदमी के सर पर छत का प्रबंध किया। कांग्रेस के प्रति लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी और देश में भी कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर के, उनके जो काम हुए जैसे उससे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर के पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसलिए उनके पास मुझे नहीं लगता कोई तैयार होंगे। जो वातावरण है देश का, उसमें अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी उनके मुझे लग रहा है कि बड़ा विचार करना पड़ रहा है कि कौन लड़े, कोई तैयार है या नहीं है पार्टी ज्वाइन करने की बिना शर्त। वो आएंगे, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वास्तव में काम हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे बड़ा काम जो धारा 370 समाप्त करने का हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन विधान दो प्रधान दो सारी चीज़ें अलग थी, इसलिए उस धारा को हटाने का काम भी बड़ा किया। तीन तलाक कानून समाप्त किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करने का काम, जब सारे हिंदुस्तान के लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और हिंदुस्तान की धरती पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया हो वहां भी संघर्ष करना पड़ा, हमारे कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि हमारे देश में हमारे ही यहाँ पर राम का मंदिर बने जहाँ जन्म हुआ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में दीपावली मनाई गई, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, पूरे देश में खुशहाली थी। मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम, और विकास की बात करें तो चाहे वो सड़कों के मामले में हो, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा वो 8 लाइन की बात हो, फिर चाहे वो जहाँ सड़कों का हो, रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का मामला हो, और भी जितने डेवलपमेंट हुए और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आज तक कांग्रेस में देश की आज़ादी के 75 साल के बाद लगातार 60 साल तक मुझे लगता है कांग्रेस ने राज किया, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति गरीब आदमी के बारे में कभी उन्होंने विचार नहीं किया। हम सब विचार करेंगे तो लाखों परिवार आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर थे। वो रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नालों के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे और आसमान के नीचे प्लास्टिक की सीट लगा करके वो जिंदगी बिताते थे। आज तक मुझे नहीं लगता कभी कांग्रेस के लोगों ने विचार किया हो कि उस गरीब आदमी के माथे पर भी छत का प्रबंध होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, पूरे देश की जनता, कि उन्होंने कम से कम ये संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि 2024 तक हम हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब आदमी ऐसा ना रहेगा जो खुले आसमान के नीचे रहेगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। और केवल एक मकान देकर के उन्होंने काम समाप्त तो नहीं किया, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब से गरीब के घर में जहां प्रधानमंत्री आवास थे उनको गैस के चूल्हे के कनेक्शन देने का काम किया, शौचालय का प्रबंध किया, कोई बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिया जिसमें 5 लाख की गारंटी मोदी जी ने गरीब आदमी को दी। एक आधार कार्ड और एक आयुष्मान कार्ड लेकर के कोई भी गरीब आदमी किसी भी बड़े अस्पताल में जाएगा इलाज करवाने तो उसका इलाज होगा, और एक साल में 5 लाख रुपये अगर वो समाप्त हो गए तो दूसरे साल फिर 5 लाख जमा हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसे गरीब लोग जिनके पास 500 रुपये का इंतजाम भी नहीं होता है, ये काम मोदी जी ने ही किया। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, किसी भी दल की सरकार हो, यह सरकार का दायित्व तो होता है कि वो सरकार में बैठ करके इन सारी बातों के लिए काम करे।
लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, काम नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई एहसान कर दिया जनता के माथे पर या गरीब लोगों के लिए कोई योजना बनाई तो हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ऐसा नहीं है। ये राजधर्म का हमने पालन किया, कोई भी सरकार में रहे तो ये उसका राजधर्म का पालन है। मैं अगर कोई काम करूँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा राजधर्म है, मुझे करना चाहिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि उनकी यात्रा निकालने से ना ही देश में और ना ही मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कांग्रेस से बीजेपी में कितने भी लोग शामिल हो जाएं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। बीजेपी के मंत्री से लेकर छोटे से कार्यकर्ता सभी एक समान है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 15 महीने मुख्यमंत्री रहे थे, विकास की एक ईंट भी लगाई हो तो बता दें, कुछ नहीं किया। 10 साल तक दिग्विजय सिंह रहे, 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी और आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। देवड़ा ने कहा इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। कोई कमजोर नहीं है, किसी भी साधारण कार्यकर्ता को भी अगर कहीं से उतार देंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और कोई विचारधारा के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कार्यकर्ता हमारा छोटा बड़ा कार्यकर्ता नहीं है, वो कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है जो लड़ रहा, पूरी पार्टी लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है पार्टी। तो चाहे जितनी यात्राएं निकाल ले, कांग्रेस के प्रति जनता का बिल्कुल मोहभंग है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चाहे वो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है, पूछ लें कोई कांग्रेस के नेता से, उन्होंने कोई विकास की एक ईंट भी लगाई हो तो बताए 15 महीने में, कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई विकास का काम किया 15 माह बैठने के बाद, कुछ नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी उस समय बैठे थे, उस बात को मैं नहीं दोहराता, लेकिन 10 साल वो बैठे थे, 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी नहीं मिलता था उस समय, सड़कों का बेहाल था उस समय, सिंचाई का प्रबंध नहीं था। आज बहुत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं चल रही है, तालाब हैं, स्टाफ डैम है, जल जीवन मिशन में 1-1 घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पिलाने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे सरकार 60 साल रही कांग्रेस, कोई मैदान में आकर के जब वो मंच पर बैठे तो जरा हिसाब तो बताए। ये तो प्रजातंत्र भाई, जो सरकार में बैठे हैं उनको जनता के सामने हिसाब बताना चाहिए। हम हिसाब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी बैठे तो उस समय क्या काम हुए, मोदी जी 10 साल रहे हमने क्या काम किए, मध्य प्रदेश में सरकार रही हमने क्या काम किए, ये प्रजातंत्र में जनता के सामने उनको बताना चाहिए और ये हम बता रहे हैं। कुछ कब्जे में नहीं होगी, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, सुपड़ा साफ होगा और मुझे तो लगता है 400 पार का जो कहा है 400 पार ही होगा।